हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू वीडियो एंड कंटिन्यू अवर लेसन। हमने लास्ट स्टार्ट में एक लेसन स्टार्ट करा था हॉर्स वाला, अब हम आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वो हॉर्स अपने सिक्स यंग हॉर्स के साथ खेलता था, किक करता था, बाइट करता था, ये सब करता था उनके साथ। अब आगे क्या होता है, एक दिन वो किकिंग कर रहा होता है, तभी उसकी मदर वहां पे आ जाती है और विनिंग टू मी कम टू योर हर उसे देख लेती है और अब आवाज करते हुए, हॉर्स की आवाज में विंग करते हुए बुलाती है उसे अपनी तरफ एंड कहती है कि आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। मैं चाहती हूं कि अब तुम अटेंशन दो, जो मैं बोलने जा रही हूं उस पर ध्यान दो। द कॉर्ड्स वो लिव हियर आर गुड कॉर्ड्स बट दे आर कार्ट हाउस कॉर्ड्स एंड ऑफकोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स। तो कहती है कि ये जो कॉर्ड्स यहाँ पे रह रहे हैं वो अच्छे कॉर्ड्स तो हैं बट कार्ट हाउस कॉल्ट है, मतलब यहाँ के कॉल्ट है, मतलब उनके पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, तो उन्हें कोई मैनर्स नहीं है, उन्होंने कोई मैनर्स नहीं सीखी है। यू हैव बीन वेल ब्रैड एंड वेल बॉर्न, तुम कितने अच्छे से बड़े हुए हो, कितने अच्छे से तुम्हारा बर्थ हुआ है। तुम्हारे फादर, योर फादर हैज अ ग्रेट नेम इन दिस पार्ट, तुम्हारे जो फादर थे उनका भी कितना ज्यादा नाम है इन जगहों पे। और जो तुम्हारे ग्रैंड फादर थे उन्होंने तो वॉन द कप 2 years बैक एट द न्यू मार्केट रेसेस। उन्होंने कौन सा कप जीता था 2 साल पहले न्यू मार्केट रेस में किसी उन्होंने कप जीता था। और जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी उनकी स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर नो एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक या बाइक। तो कहती है जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी उनका वो भी बहुत शांत स्वभाव की थी, उनका माइंड हमेशा शांत रहता था, काम रहता था, कभी भी उन्होंने ऐसा किसी को बाइट केक नहीं करा। आई होप कि तुम भी बड़े हो, जेंटली अच्छे से गुड बिहेवियर सीखो और कभी भी नेवर लर्न बैड वेज, कोई भी गलत आदत ना सीखो। डू यू वर्क विद अ गुड विल, एक अच्छे एबिलिटी इंटरेस्ट के साथ काम करो अपने अच्छे उससे मन से। लिफ्ट योर फीट अप वेल एंड वेन यू ट्रॉट, अपने पैर उठाओ और आराम से दौड़ो। एंड नेवर वाइट योर किक एवन इन प्ले, किक इवन इन प्ले, कभी भी किसी को खेल खेल में भी ना ही बाइट करना और ना ही किक करना। तो जो हॉर्स मदर है वो क्या सिखा रही कि ना ही किसी को मारो ना ही किसी को हर्ट करो। आई हैव नेवर फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस, तो जो बट ब्लैक हॉर्स था वो अपनी मदर की एडवाइस को अपने माइंड में फिट कर लेता, कभी भूलता नहीं है। आई नो शी वॉज वेरी वाइज एंड अवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, वो कहती है कि वो बहुत अच्छी थी तो जो उनके मास्टर ने ना उनकी डील कर दी किसी और के साथ जिसका नाम था डचेस, बट ही ऑफन कॉल हर पैट, उनका नाम क्या था डचेस, नाम क्या रखा था डचेस, बट वो उसे क्या बुलाते थे पैट बुलाते थे, किसका नाम था उनकी मदर का। अब जो उनके मास्टर थे बहुत अच्छे इंसान थे, वो उन्हें क्या देते थे अच्छा खाना देते थे, फूड देते थे, लॉजिंग देते थे, लॉजिंग मीन्स रहने का जगह, एंड काइंड वर्ड्स, और बहुत अच्छे से बात भी करते थे। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन, वो हमसे वैसे ही बात करते थे जैसे वो अपने छोटे बच्चों से बात कर रहे हो, चिल्ड्रन से बात कर रहे हो। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम एंड माई मदर लव हिम वेरी मच, हम लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और मेरी जो मदर थी ना वो तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। When she saw him at the gate, she would knee with joy and trot up to him. जब भी वो अपने मास्टर को गेट की तरफ आते हुए देखती थी, खड़ा होती थी, तो वो नी करते खुशी से आवाज निकालती थी। He would pat and stroke her and say, "Well, old pal, how is your little ducky?" वो आते थे और क्या बोलते थे उसको रब करते हुए, जेंटली स्ट्रोक मारे, जेंटली रब करते हुए कहते थे ओल्ड पैट, मतलब जो उनकी मदर थी उन्हें कहते थे ओल्ड पैट, तुम्हारा लिटिल डार्की कैसा है, लिटिल डार्की किस नाम से बुलाते थे लिटिल डार्की, ये नाम रखा हुआ था। अब जो आगे का लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।